खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए बोला कि चेहरा कमल का फूल होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्या प्रधान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई कल की बैठक में क्लास। प्रहलाद जोशी की करीब महीने भर की तैयार की गई सीक्रेट रिपोर्ट थी पीएम मोदी की टेबल पर। कोर टीम के एक एक नेता की 5 साल की पूरी रिपोर्ट सामने थी। कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा से ज्यादा तो मोदी ने राज्य से जुड़े कोर नेताओं को सुनाई खरी खरी। स्वयं की ब्रांडिंग की बजाय कमल के फूल की ब्रांडिंग की बात कही। यहां तक कहा कि कुछ लोग तो अब बूस्ट हो रहे हैं। हालांकि तारीफ करते हुए कहा, आप लोग टैलेंटेड हैं तभी तो यहां बैठे हैं। और आखिरकार वही दो टूक मैसेज दे दिया जो आज सभा में बोला। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कल की बैठक में इशारा कर दिया था कि राजस्थान के चुनाव को स्वयं देखेंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने सभा में मोदी गारंटी की बात कही। बहरहाल दो वरिष्ठ नेताओं के अलावा लगभग सभी की क्लास लगाई गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आश्रय प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन विस्तार से जरा समझाइए ऐश्वर्य, दो दिग्गजों को छोड़ के सबकी क्लास लगी है। देखिए पूनम, यहाँ पर सभी दिग्गज एक साथ बैठे हुए थे और सबसे रोचक बात यह है कि प्रहलाद जोशी जब राजस्थान आए तो सभी को लगा कि चुनाव से संबंधित चुनाव प्रभारी हैं और सामान्य तौर पर चुनाव प्रभारी का जो काम है वो करेंगे, लेकिन उन्हें कर्नाटक राज्य से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ भेजा और ऐसा माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में ऐसा माना जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के सभी फेवरेट होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से ना जाने कब पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली और खुद प्रधानमंत्री ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करवा रखी थी और उस रिपोर्ट जब टेबल पर प्रधानमंत्री के सामने थी तो प्रधानमंत्री ने तमाम वो बातें कही जिन बातों को लेकर पार्टी में एकजुटता का संदेश जाए। प्रधानमंत्री के पास यहां तक जानकारी थी कि कौन किस दिशा में जा रहा था, पिछले 4 साल में क्या हो रहा था, कौन किस तरीके से मूव कर रहा था, अपने आप का कद बढ़ाने की कौन कोशिश कर रहा था और पार्टी को लेकर कौन कितना गंभीर था। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है और व्यक्तिवाद से के खिलाफ रहती है, जो पार्टी कहती है कि कमल का फूल महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है, उस पार्टी में कई नेताओं की ऐसी शिकायतें थी कि वो व्यक्तिवाद को तवज्जो दे रहे थे या अपने आप की पॉपुलैरिटी, अपने आप को प्रचारित करने पर फोकस लिए हुए थे। तो ये तमाम चीजें जब उनके सामने आई तो उन्होंने जमकर खरी खरी सुनाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग सोच रहे हैं कि टिकटॉक को लेकर ज्यादा चर्चा हुई है, तो ये तय मानकर चलिएगा कि टिकटॉक को लेकर चर्चा से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की क्लास चली है और क्लास प्रदेश प्रभारी ने भी लगाई है, जो कि चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने लगाई है कि उनके पास भी तमाम तरीके की जानकारी थी और प्रदेश चुनाव प्रभारी इतने दिन से खामोश थे और बारीकी से एक एक चीज नोट कर रहे थे और वो पिछले दिनों कई बार 5-5, 7-7 घंटे जब मुलाकात नहीं करते थे, बैठकें नहीं करते थे, तो लोगों के दिमाग में प्रश्न होता था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट जुटाकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचाना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक लाइन में फैसला लेना, क्योंकि पहले से कहते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे, यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने कल की सभा में दो टूक कह दिया कि मोदी मतलब गारंटी, कि कोई और नहीं, मोदी ही चेहरा होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया मोदी का मतलब प्रधानमंत्री खुद, यहाँ पर व्यक्ति नहीं, यहाँ पर पद की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने को बीजेपी अपना आदर्श मानती है। तो ऐसे में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नेताओं को एकजुटता का मैसेज दे दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये एक महत्वपूर्ण चीज और बताऊंगा मैं, प्रधानमंत्री के पास यहां तक की जानकारी थी कि नैरेटिव सेट किस तरीके से करवाए जा रहे हैं, नैरेटिव सेट क्यों करवाए जा रहे हैं और कितने दिन से करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर अपनों को रेवड़ी कौन बांट रहा था इतने दिन से और चल क्या रहा था। और मैं किसी एक लीडर के लिए नहीं है, लगभग कमोबेश सभी लीडर्स की, तमाम जो
खूबियों की जानकारी तो थी, लेकिन जो कमियां थी संगठन की या नेताओं की वो भी उनके सामने आ गई और उन्होंने दो टूक कहा कि बिना एकजुटता के चुनाव कैसे जीतेंगे। क्योंकि कई बार राजनीतिक गलियारों में जरूर एक गपशप चलती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी आएंगी, कोई कहता है 85, कोई कहता है सर्वे के आधार पर। हालांकि अभी चुनाव के बाद भाजपा 150 के दावा करती है, तो कई दिनों से अलग अलग तरीके की सीटों के आकलन आते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं या फिर विभिन्न सर्वे जो है वो मीडिया में आते हैं, उन सबके परे उनके पास अपनी खुद की रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट को लेकर कानों कान किसी को जानकारी नहीं थी। और उस रिपोर्ट को लेकर एक और मैं अपडेट दे दूं कि कई टीमें तो राजस्थान में गुप्त तरीके से बिना नेताओं से मिले ही एक एक पंचायत तक निकलकर और जाकर आ गई थी कि कहां क्या स्थितियां चल रही है। और उसके बाद की स्थिति कल प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दी। अब ये तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है उसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत सूक्ष्म तरीके से राजस्थान पर फोकस करेंगे और उनका फोकस इसी बात को लेकर होगा। और यही एक बड़ा कारण है कि सांसदों को चुनाव में उतारने का फैसला जो दूसरे राज्यों में लिया गया है वो राजस्थान में भी लगभग लगभग तय माना जा रहा है। सांसदों में केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए मानी जा सकती है कि जिस चीज को लेकर कयास थे कि नामों को लेकर ज्यादा चर्चा हुई है, नामों को लेकर चर्चा विशेष नहीं हुई क्योंकि इससे पूर्व में भी नामों को लेकर चर्चा हो गई है। और जब अमित शाह और जेपी नड्डा आए थे तब भी पूरी रिपोर्ट उनके पास थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री और सारे लोग साथ थे तो सारी चीजें धरातल पर आ गई। क्योंकि प्रधानमंत्री को वो दिन भी याद है जब पिछले साल एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उस कोर कमेटी की बैठक में भी क्लास लगाई गई, लेकिन उसके बाद भी डाक के वही तीन पात निकले। तो ये उनके लिए कितना दिलचस्प है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में न सिर्फ सीक्रेट तरीके से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं बल्कि खुद हस्तक्षेप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग ये है कि प्रहलाद जोशी ना कोई लाग लपेट, ना कोई फालतू की बयानबाजी, लेकिन सीक्रेट तरीके से एक रिपोर्ट बनाना और सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। बिल्कुल, प्रहलाद जोशी जब आए थे तो सबको ऐसा लगा था कि प्रहलाद जोशी ठीक है, जो दूसरे चुनाव प्रभारी आते हैं काम हो जाएगा, टिकट बांटने का काम होता है। लेकिन उन्होंने टिकट बांटने का काम अपने पास संभवतः इसलिए नहीं रखा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास टिकटों को लेकर पहले से जानकारी थी। हालांकि कई नाम जो है सोशल मीडिया में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं कि इन नामों को लेकर टिकटों का फैसला हो गया है, 39 नामों की लिस्ट आएगी। तो ऐसा भी एक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से चर्चा उस बैठक में जो हुई है उस पर भी सियासी तौर पर एक जानकारी जुटा ली हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो नाम मीडिया में या सोशल मीडिया में लिस्ट से पहले ही उजागर हुए हैं, हो सकता है कई नाम फिलहाल रुक जाएं जिन्हें लेकर चर्चा चल रही थी। क्योंकि कई बार इस तरीके की चर्चाएं बाहर निकल जाती हैं तो देख लिया जाता है कि स्थितियां क्या है और उस क्षेत्र की क्या स्थितियां हैं और उन कैंडिडेट्स की निगेटिविटी क्या है, ये भी संगठन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये जो बैठक थी ये बेहद महत्वपूर्ण थी। और अब जोधपुर का जो सभा होगी 5 तारीख को, उसमें आप देखिएगा कि जोधपुर की सभा में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को लेकर संतुष्ट है कि चुनाव वो जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में लड़ा जाना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कैसे घेरे जाना है। यही कारण था कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए दो टूक ये बात भी कह डाली कि योजनाएं बंद नहीं की जाती है कि, और लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के पुराने बयानों का जिक्र जिस लिहाज से किया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी माइन्यूटली उनके पास रिपोर्ट जा रही है कि जिस बयान को लेकर पूरी भाजपा नहीं घेर पाई उस बयान पर अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने सभा के जरिए पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया जब अशोक गहलोत के बयान का जिक्र किया। जी ऐश्वर्य, आप समझा सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि पूरा लेखा जोखा दिया गया है हर एक नेता का, तो किसकी परफॉर्मेंस जो है सबसे वीक रही है, अंदाजा हम लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर वीक का अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी का मन मस्तिष्क जानता है और ये आला कमान जानता है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि कमोबेश शायद ही कोई लीडर हो जिसकी क्लास नहीं लगी हो, क्योंकि किसी की ज्यादा तो किसी की कम। रिपोर्ट सभी की उनके पास थी, उनके पास यहाँ तक की जानकारी थी कि कौन लीडर है, वो क्या चाहता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि कई बार जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप की प्रचारित करने की बातें या अपने आप को बड़ा बताने की चीजें, वो भी वो तक जानकारी उनके पास पहुंच जाती है, या कहें कि जो व्यक्तिवाद पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि मैं फिर जिक्र करूंगा इस बात का, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि व्यक्ति
ना होकर संगठन बढ़ा रहे। यही कारण है कि उन्होंने कमल के फूल को चुना, उन्होंने खुद का नाम भी नहीं लिया कि मैं हूँ, बस उन्होंने ये कहा। हाँ, एक चीज और उन्होंने बोली कि जब मेरे जैसा व्यक्ति स्वयं को प्रधानमंत्री ना बोलकर प्रधान सेवक बोलता है तो फिर ये चीज क्यों। ये बड़ी बात उन्होंने बोली कि मैं प्रधान सेवक के तौर पर हूँ तो तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पर, स्वयं को मुख्यमंत्री बताने के नाम पर एकाद नहीं कई सोशल मीडिया पेज कई नेताओं के चल रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी एक का जिक्र नहीं, अनेकों नेताओं के सोशल मीडिया पेज लंबे समय से चल रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंची होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है और जो सोचा था प्रहलाद जोशी को राजस्थान में उतारने का, वो वाकई में सटीक साबित होता हुआ अभी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से जानकारी देने के लिए।